वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल। टुडे आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। इस टॉपिक इज दैट गेन्स फ्रॉम ट्रेड। कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो करती है उससे उसका नेट बैलेंस यानी कि नेट एक्सपोर्ट निकलता है। नेट एक्सपोर्ट निकलने से उसके पास जीडीपी इंक्रीज होती है और आफ्टर जीडीपी इंक्रीज द देयर कंजप्शन लेवल, ओके, देन अगेन इंक्रीज डिमांड, देन अगेन इंक्रीज द प्रोडक्शन, ओके, सो मोर प्रोडक्शन मोर एक्सपोर्ट, देन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एक्सचेंज रेट बेटर फेवरेबल एक्सचेंज रेट, देन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज। So it means if any country want better GDP, better living standard, then without export, without trade, कोई country अपना develop नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम मेजरमेंट करते हैं कि एक कंट्री जब एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देती है तो उससे हमारी कंट्री में जो प्रॉफिट आता है, जो लाभ होता है, जो गेंस होते हैं वो कैसे मेजर करते हैं और उसका ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्लेन करना होता है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हमने पढ़ा कि एक कंट्री फुली स्पेशलाइजेशन करेगी या पार्शियल स्पेशलाइजेशन करेगी, डिपेंड करेगा हमारा कॉन्स्टेंट कास्ट पर और रिटर्न्स पर, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट है या डिक्रीजिंग कॉस्ट है, तो अगर हम इंक्रीजिंग कॉस्ट लेते हैं, अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर कनकेव बनेगा, और कनकेव के केस में क्या होता है कि फुली स्पेशलाइजेशन नहीं होता, यानी कि एक कंट्री पूरी तरह से एक गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती, दोनों गुड्स का प्रोड्यूस करती है। हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों कंट्री को प्रॉफिट कैसे होगा। तो हम एक कंट्री का मेजरमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री का मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो इस ग्राफ में हम आपको पढ़ाने चले हैं कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, यानी कि प्रोडक्शन लिख दीजिए आप, ठीक है, ओके। सो एक कंट्री में जो प्रॉफिट होगा यानी कि जो लाभ होगा जो, वो या तो एक्सचेंज करने से होगा या ज़्यादा प्रोडक्शन करने से होगा। ये दोनों चीज़ आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाया कि सीधे सीधे इफेक्ट क्या पड़ेगा। कंजप्शन लेवल इंक्रीज होगा, मैंने जैसे बोल दिया आपको, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी डोमेस्टिक कंट्री का रिसोर्स बेटर यूटिलाइजेशन होगा, अच्छा मोर फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मोर फेवरेबल हो जाएगी, यानी कि हमारे फेवर में आएगा, यानी कि हमारा बीओपी बेटर होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बेटर होगा और एक्सचेंज रेट हमारा होगा, हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है, मतलब हमारे पास इनफ्लो होगा तो हमारी कंडीशन बेटर होगी। इसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं विद ग्राफ, इसको समझना है। चलिए हमने एग्जांपल लिया कि मान के चलो टू कंट्री है, जैसे हमने एक कंट्री के लेते हैं, एक कंट्री है जिसे हमारे पास ए है, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पी पी ए है, तो पी पी सी इसका है हमारा पी ए ए है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, मान के चलो हमारी इंडिया, हम इंडिया के मान लें, चलो हम इसको इंडिया मान लेते हैं, इंडिया है, ओके, और इंडिया राइस का प्रोडक्शन कर रही है और रबर का प्रोडक्शन कर रही है, तो इसके पास टू गुड्स है, टू गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, क्या है, एक रबर है और दूसरा है राइस है, क्लियर, साथ के साथ नोट करते जाएंगे, अच्छा ओके। हमारे पास जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, जो कि जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाइन बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मान चलो हमारी कंट्री किसी एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, मान चलो हमने ले लिया ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ओके, तो यानी कि इंटरनेशनल जो मार्केट में प्राइस है, मान चलो हम एक ले लेते हैं, ओके, इसको हम दे देते हैं नाम, इसका जो नाम दे देते हैं, इसको ले देंगे पी पी वन, पी नॉट है पी जीरो और पी जीरो, यानी कि इंटरनेशनल प्राइस पे पी जीरो पी वन इंटरनेशनल या टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है। तो मान चलो ई पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम हो रहा है,
ओके ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, इट मींस कंट्री राइस का प्रोडक्शन इतना कर रही है और कॉपर का प्रोडक्शन इतना कर रही है, ओके क्लियर है, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब फाइंड किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से लगता कि हमें राइस बनाना चीप पड़ रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो स्लोप है दिखा रहा है उस राइस को चीप बनाना है, ओके ठीक है। तो इस पर कहने का मतलब कि ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, यानी कि कंट्री ए जो है, ठीक है, कंट्री ए ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और रबर का वीट का प्रोडक्शन जो करना चाहें हम कह सकते हैं, ठीक है, इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम लिखना चाहते लिख देते हैं, चलो हम एच टी यानी कि ओ एच प्रोडक्शन राइस का है और ओ टी प्रोडक्शन रबर का कर रहा है और सेटिस्फाई है विदाउट ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, ओके। आफ्टर दैट इफ टू कंट्री में स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर फुली स्पेशलाइजेशन नहीं है, अगर फुली स्पेशलाइजेशन होता तो कंट्री सिर्फ एक ही गुड का प्रोडक्शन करती, लेकिन यहाँ पर पार्शियल स्पेशलाइजेशन होगा, पार्शियल स्पेशलाइजेशन में कंट्री दोनों गुड्स का प्रोड्यूस करेगी लेकिन उस गुड्स का ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी जिसकी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। तो हमने देखा कि अगर ये ठीक है, मान के चलो एक लाइन बनाया हमने, एक लाइन ये बनाया कि अब दूसरी लाइन बनाते हैं जिसको हम न्यू इंटरनेशनल लाइन, मान के चलो ये न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बन गई, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट वेट, देयर इज ए न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, ओके ओके, सपोज दैट वी कैन राइट P1 न्यू इंटरनेशनल लाइन, देन प्रोडक्शन यहाँ पर टच कर रहा है तो न्यू PPC न्यू इंटरनेशनल प्राइस लाइन यानी कि TOT लाइन भी कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन चेंज हो, अगर हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो P1 देन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज यू कैन राइट व्हाट पॉइंट सी, ओके चलो सी पॉइंट, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पॉइंट पे, यानी कि सी पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहा है, इट मींस प्रोडक्शन चेंज व्हाट हैपनिंग, प्रोडक्शन इज चेंज, ओके कितना प्रोडक्शन कर रहा है, मान के चलो ये T1 हो गया, ये H1 हो गया, यानी कि अभी मार्केट में अपनी अपनी कंट्री प्रोडक्शन उसका OH1 हो गया और इसने OT प्रोडक्शन को घटाकर OT1 प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन इस डिक्रीज कर दिया, लेकिन X का प्रोडक्शन यानी कि राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ओके। लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड में लाइन में जहाँ पर दोनों लाइन, मान चलो एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो कम्युनिटी इन डिफेंस कर्व बनेगा वो ऊपर जाता है, तो मान के चलो कम्युनिटी इन डिफेंस कर्व, ओके एक लाइन बन गई कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व इज दैट लाइन, ओके IC2 बन गया, स्टार्टिंग इन डिफरेंस कर्व ये था IC1 था, यानी कि पहले कस्टमर कंट्री ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में थी, सेटिस्फेक्शन था, कंज्यूम कर रही थी, इतना एक्स का OX प्रोडक्शन कंज्यूम कर रही थी, इतना OT का प्रोडक्शन कंज्यूम कर रही थी, लेकिन जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो हमारी ट्रेड लाइंस चेंज होकर के ये हो गई, तो अब हमारी कंट्री का जो कंजप्शन कर्व है वो बढ़ गया, कैसे, ये मान चलो ई से आप E2 पे आ गए, ओके ई से E2 पे चले गए, इससे क्या होगा आप देखिए कि पहले आप कंट्री में क्या करेगा, कंट्री के पास कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कंट्री के पास उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अब आप ऐसे कीजिए, आप ऐसा बना सकते हैं, बनाना चाहें तो एक नहीं लेते हैं, S2 कर लीजिए, करना है तो आपकी इच्छा है। अब हमारे कंट्री में देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कंट्री जो पहले सिर्फ इतना OH को प्रोड्यूस करती थी, OT प्रोड्यूस करती थी, अभी प्रोडक्शन उसका OH1 प्रोडक्शन हो गया, क्लियर, और अब OH में से उसका खुद का कंजप्शन कितना कर रहा है, OH2 कितना कंजप्शन कर रहा है, OH2 कंजप्शन कर रहा है, और एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, H1 एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना हुआ, ओके तो एक्सपोर्ट कितना हुआ आपका,
H2, H1 एक्सपोर्ट हो गया। ओके, और इतना एक्सपोर्ट करके उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? उसके मिल रहा है कितना कॉपर, इसको आप यहाँ कर देंगे या आप ऐसा कर दीजिए, इसको या इसको कोई पॉइंट दे दीजिए, एन दे दीजिए, ठीक है। अभी कितना होगा कि एच सी एक्सपोर्ट करके उसको एच सी एन, यानी कि या चाहे इसको लिखिए चाहे आप लिखिए, तो एन सी एक्सपोर्ट करेगा तो उसे कितना मिलेगा ई टू एच, यानी कि उसका इंपोर्ट कितना हो रहा है ई टू एच, यानी कि इतनी क्वांटिटी को एक्सपोर्ट करके बदले में उसने इतनी क्वांटिटी इसको एजिप मिल रहा है। जबकि खुद बनाता तो कितना बनाता, ओटी बनाता है, लेकिन अभी कितना मिल गया उसको, इतना क्वांटिटी ज़्यादा मिल गया, यानी कि हमें यहाँ पॉइंट दें तो टी टू हो गया, यानी कि टी टू टू अगर इस पॉइंट पर जाएंगे तो क्या निकलेगा आपका, यानी कि टी और टी टू इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है, सर स्पेशल लेवल चेंज हो गया। इट मीन्स अब हुआ क्या, पहले सिर्फ ओ एच बनाता था, ओ एच प्रोडक्शन था, लेकिन अभी प्रोडक्शन ओ एच वन हो गया और एच टू एक्सपोर्ट कर दिया और इतना लेवल उसका कंजप्शन इतना बच भी गया उसके पास, मतलब इतना खुद के पास कंजप्शन बढ़ रहा है पहले से, और इतना एक्सपोर्ट करने के बाद भी पहले कंजप्शन लेवल बेटर हो रहा है, क्लियर हुआ। और यहाँ पर भी हुआ कि पहले ओ टी प्रोडक्शन करता था, अभी प्रोडक्शन तो ओ टी वन कर रहा है, लेकिन यच इतना मात्रा में इतनी क्वांटिटी उसको क्या मिल रही है, इम्पोर्ट होने, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल में हो गई, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपोर्ट करके उसके बदले उसको ज़्यादा इम्पोर्ट मिल रहा है, यानी कि इतने के बदले उसको इतना मिल रहा है, ई टू एच मिल रहा है, यानी कि ई टू एच, यानी कि अगर हम देखें कि ई टू एच ग्रेटर देन एच टू एच वन, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हो गए, हमारे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, ओ एच से कितना हो गया सीधे ओ एच वन हुआ, यानी कि एच वन चेंज हुआ, और इसमें एक्सपोर्ट कितना किया, इतना किया, तो बचा कितना, इतना इंपोर्ट पड़ गया। अच्छा, क्लियर हुआ। और कंजप्शन लेवल इंडिफरेंस कर्व शो द कंजप्शन लेवल, ई से वो ई वन पर चला गया, यानी कि ई से ई वन पर चला गया। अब कंजप्शन की बात करें, कंजप्शन में क्या हुआ, ई टू पॉइंट पर कंजप्शन, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हायर सेटिस्फेक्शन, तो हायर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर हो गया। ओके, तो ई से ई वन पर कंजप्शन इफेक्ट दिखा रहा है कि जो आपका बेटर हो गया, यानी कि आपका जीडीपी बेटर हो गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हो गया, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हुआ तो आपका जीडीपी भी बेटर हुआ। सेकंड, ई पॉइंट से सी पॉइंट पे आना, प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ आपका हाउ मच, ई पॉइंट टू सी पॉइंट, ई टू सी पॉइंट इज अ प्रोडक्शन इफेक्ट। ओके, स्टार्टिंग प्रोडक्शन दैट, ओके, नाउ वी कैन राइट ड्रा आल्सो। ओके, द प्रोडक्शन इफेक्ट, ओके, इनिशियल प्रोडक्शन इज ई हो रहा है, ठीक है, ओके, इज क्लियर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव अगेन, इफ टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइंस चेंज अगेन P1 to P2, मे बी टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज न्यू लाइन फ्रॉम हियर। ओके, सो वी कैन राइट न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड इसके अगेंस्ट में, अगर यहाँ तक जाएगी तो ऐसा बनेगा, हम यहाँ नहीं बना रहे, यानी कि इसको इस आईसी कर्व को कहाँ पर काट रहे हैं, प्रोडक्शन को, सॉरी, इस इनडिफरेंस कर्व को यहाँ पर टच कर रहा है, मान के चलो, तो हम इसको पी टू बना दिया, पी वन थी, तो अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन P1 से चेंज होकर के P2 हो जाती है, मान चलो हम इसको P2 लाइन बना देते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं हमारे पास, तो अब इक्विलिब्रियम A से E1 पर न जाकर उसका इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या है उसका, सेम है, इंडिफरेंस कर्व भी सेम है, तो E से अगर हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, किस पर, E3 पे, ओके, सो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट From
ई से ई टू, फ्रॉम ई टू ई थ्री, ई सो ई टू थ्री क्या सो हो रहा है? सो ये हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन तो हमारा सेम है, हमारा दोनों की चीज़ का प्रोडक्शन सेम है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये होगा, होगा क्या कि हम इतना कंजप्शन अपना कम कर देंगे और हम इतना एक्सपोर्ट कर देंगे तो इसके बदले हमें इतना इम्पोर्ट मिल जाएगा, यानी कि इसको क्या देंगे, इसको टी, इसको एल दे दो, तो ई एल कितना हो गया, एक्सपोर्ट कितना करेगा वो, ई एल, ई एल एक्सपोर्ट कर दिया, इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट किया, उसके बदले उसको कितना मिला, ई थ्री एल, लेकिन इम्पोर्ट कितना हुआ, ई थ्री एल, यानी कि ई थ्री एल इज ग्रेटर देन ई एल, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हो रहा, ओके, कंजप्शन लेवल इज सेम बट इस गुड्स का जो लेवल है कितना हो गया, पहले इतना अपने वो इतना कंजप्शन कर रहा था ओ टी, अभी कंजप्शन इसका यहाँ पर जा सकता है न्यू पॉइंट टी थ्री, यानी कि टी टी थ्री इज कंजप्शन लेवल चेंज, ओके, सो इसको बोलेंगे एक्सचेंज गेन फ्रॉम एक्सचेंज, उसने क्या किया, थोड़ा सा अपना कंजप्शन कम किया, देखो अपना थोड़ा सा कंजप्शन कम करेगा कंट्री, ठीक है, थोड़ा सा कंजप्शन कम करेगा, उसके बदले इतना एक्सपोर्ट करके उसने क्या किया, ज़्यादा ले लिया, यानी कि एक्सचेंज हमारे पास जो गुड्स है उसे गुड्स का तो हम एक्सचेंज करते हैं, जितना हमारे पास प्रोडक्शन है उसमें से हमने एक्सचेंज करके दूसरे गुड्स ले लिया, लेकिन हमने दूसरे कंट्री के गुड्स तब इम्पोर्ट करेंगे जब हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड कंडीशन बेटर होगी, तो न्यू मार्केट में न्यू इंटरनेशनल लाइन के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हो गई, तो उसने क्या किया, इतना एक्सपोर्ट कर लिया, तो देखो आपका जो एक्सचेंज रेट इफेक्ट है, एक लिख सकें आप एक्सचेंज रेट इफेक्ट क्या हो रहा है, ई से ई टू ई थ्री, यानी कि ई से ई थ्री पर जाना एक्सचेंज रेट है इफेक्ट है, ई से ई थ्री पर जाना प्रोडक्शन इफेक्ट है, तो हम लिखने नए इसको देख लीजिए, यहाँ से ई टू, ई से ई टू प्रोडक्शन इफेक्ट हो गया, और ई टू ई थ्री इज एक्सचेंज, तो दोनों तरीके से प्रॉफिट लिया गवर्नमेंट कंट्री ने फर्म ने, तो बेसिकली हम ये पढ़ाना चाहते हैं इस कंट्री में कि किसी भी फर्म का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा दूसरे कंट्री के एक्सचेंज रेट पे, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, बीओपी टर्म्स ऑफ ट्रेड, और टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर फेवरेबल है यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बेटर हो रहा है, ओके, और इम्पोर्ट हमारा कम हो रहा है, यानी कि कम हम इम्पोर्ट करेंगे यानी कि कम, लेकिन हमने इतना एक्सपोर्ट किया है उसके बदले हमें ज़्यादा चीज़ मिल रही है, ठीक है, क्लियर हुआ आई होप, तो एक ग्राफ आपको ये समझना है और दूसरा आपको ये समझना है, ओके, तो ये जो ट्रायंगल है आपका ड्यू टू द प्रोडक्शन इफेक्ट है और ये ट्रायंगल इज एक्सपोर्ट इफेक्ट है और ये आपकी एक इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है, ओके, और ये टू आईसी कर्व जो कि हायर लेवल पर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ओके ओके, वाई हो गया या एक्स हो गया, क्लियर है, नीचे गेंस फ्रॉम ट्रेड एंड गेन फ्रॉम एक्सचेंज लिख देना, योर टॉपिक इज क्लियर, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन एंड मेक ए ग्राफ सिंसियरली इन एग्ज़ाम, एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।